नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ में निकली बम्पर भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने 10वीं पास किया है तो इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों पोस्ट आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, 3702 पदों पर वैकेंसी निकल के आ रही है। पोस्ट यहाँ पर बता दें आपको, कांस्टेबल जीडी के लिए पोस्ट निकल के आ रही है। ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पूरे भारत के लिए दोस्तों यह वैकेंसी निकल के आ रही है। सो वीडियो के साथ बने रहिएगा, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। और दोस्तों आपको बताएंगे कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है और कब से लेकर कब तक इस फॉर्म को भरा जाएगा। सो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, कोई भी जानकारी मिस ना कीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करते जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट इट। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस भर्ती के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले पोस्ट कौन सी मिल रही है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। जी हाँ दोस्तों, बीएसएफ की आपको पोस्ट मिल रही है। टोटल ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 3702 पोस्टें हैं। पोस्ट नेम की बात करें दोस्तों, कॉन्स्टेबल जीडी की पोस्ट, जनरल ड्यूटी की पोस्ट मिल रही है। ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। पे स्केल की बात करें 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये यहाँ पर दोस्तों आपकी सैलरी रखी गई है। एप्लीकेशन फीस दोस्तों फ्री है ऑल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 23 साल एज की गई है। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो दोस्तों 5 साल की छूट मिल रही है। ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 3 साल की छूट आपको मिल रही है। दोस्तों जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो दोस्तों फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के आधार पे होगा। जी हाँ दोस्तों, पहले फिजिकल होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद दोस्तों आपका मेरिट बनेगा। दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं, शारीरिक मापदंड की। यहाँ पर हाइट एसटी कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर रखी गई है। हाइट दोस्तों अन्य दोस्तों एससी और ओबीसी और जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। चेस्ट दोस्तों एसटी कैंडिडेट के लिए मिनिमम 76 सेंटीमीटर रखी गई है, फलाने पे 81 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए चेस्ट दोस्तों। बाकी सभी के लिए एससी और ओबीसी और जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 78 मिनिमम और फलाने पे 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए रखी गई है। फीमेल के लिए दोस्तों हाइट एसटी कैंडिडेट के लिए एसटी फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। बाकी सभी एससी ओबीसी और जनरल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहां पर 10वीं पास रखा गया है। 10वीं आपने पास की होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। बात करते हैं दोस्तों यहां पर इंपॉर्टेंट डेट की, दोस्तों 22 मार्च से आप आवेदन कर पाएंगे। 22 मार्च से दोस्तों इसके लिए अप्लाई करना है। आगे वीडियो में बताएंगे कैसे अप्लाई करना है, तो वो पूरा देखिएगा आप। दोस्तों यहां पर बात करते हैं लास्ट डेट है, लास्ट डेट जो है वो 22 अप्रैल रखा गया है। दोस्तों ऑफलाइन माध्यम से आपने इसे अप्लाई करना है। दोस्तों आगे हम बताएंगे कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों इसको अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहले आएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप आते हैं दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ आइएगा और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आप एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको इस पर क्लिक करके आपने दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड करके यहाँ से दोस्तों नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। परंतु आपने करना क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है। यहाँ पर दोस्तों एक फॉर्म आ जाएगा, इस फॉर्म को आपने पूरा फिलअप कर लेना है। और यहाँ पर दोस्तों अपने सभी सर्टिफिकेट, यहाँ दोस्तों सभी सर्टिफिकेट, अपने 10वीं का सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, रेजिडेंस सर्टिफिकेट हो गया, और दोस्तों यहाँ पर 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो गई, और जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भर के दोस्तों आपने भेज देना है। आपने दोस्तों इसको भेजना कहाँ पर है वो भी हम आपको बता देते हैं। दोस्तों आप बात कर लेते हैं इसे कहाँ पर भेजना है आपने। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ये रहा एड्रेस, यहाँ पर आपने इसको भेज देना है। तो दोस्तों कैसे भेजना है यहाँ पर सारा कुछ बताया गया है, तो आप इसको पढ़ भी दीजिएगा, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक मिल जाएगी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, ऑफिशियल वेबसाइट की, वहाँ से आप पूरी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको ऑफलाइन फॉर्म आवेदन करना नहीं आता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक और वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर बताया गया है कि कैसे ऑफलाइन फॉर्म आवेदन करते हैं। और एक चीज़ और बताया गया है दोस्तों यहाँ पर डोमिसाइल स्टेटस के बारे में, दोस्तों आप इंडिया से इंडियन सिटीजन है तो ही आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई भर्ती के साथ। लेते हैं अलविदा, जय हिंद जय भारत।